पूर्वांचल एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में दो विधायकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा बोले, ये घटना निंदनीय है। एक बहन के साथ कांग्रेस विधायक ने छेड़छाड़ की, प्रियंका गांधी इस पर जवाब दें। कांग्रेस का मूल चरित्र यही है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं महिला की शिकायत के बाद कांग्रेस के दोनों विधायकों के भी बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने सभी आरोप निराधार बताते हुए इसे किसी साजिश का हिस्सा बताया है। बता दें कि रीवांचल एक्सप्रेस में छेड़छाड़ की सूचना महिला ने पति को दी थी। पति ने ट्वीट किया, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। सागर रेलवे स्टेशन से जीआरपी के जवान महिला के साथ भोपाल तक पहुंचे और इसी दौरान महिला के बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूं। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी ट्रेन के अंदर और उसके बाद उसने कंप्लेंट जाकर के की है। प्रियंका गांधी जी जवाब दें जरा, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं वो, कि आपके कांग्रेस के विधायक ने जिस प्रकार की घटना की है, प्रियंका गांधी को देश पूछना चाहता है। मैंने तो कहा था ये कांग्रेस का चरित्र ही है, उनका मूल चरित्र है इसी प्रकार से काम करना। ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उस बहन को न्याय मिलेगा, हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे।